दोस्तों पाकिस्तान टीम में शामिल हुआ दुनिया का नंबर वन गेंदबाज वनडे वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम में एंट्री तो क्या है, पूरी खबर की जानकारी बताएंगे सब कुछ इस खास वीडियो में। उससे पहले अगर आप भी मोहम्मद आमिर को दुनिया का बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों क्रिकेट की दुनिया से पाकिस्तान टीम के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। दरअसल पाकिस्तान टीम में वनडे वर्ल्ड कप से पहले दुनिया की नंबर वन गेंदबाज की एंट्री कराई गई है, जो अपनी खतरनाक गेंदबाजी से वनडे वर्ल्ड कप में तहलका मचा कर रख देंगे। दोस्तों पाकिस्तान की टीम हाल ही में एशिया कप से बुरी तरह हार कर बाहर हो गई, जिसकी एक खास वजह रही वो थी पाकिस्तान टीम की गेंदबाज का चोटिल हो जाना। दोस्तों पाकिस्तान टीम के नसीम शाह मैच के दौरान चोटिल होकर एशिया कप से बाहर हो गए थे। इसके बाद पीसीबी ने बताया कि नसीम शाह न सिर्फ एशिया कप बल्कि वनडे वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए हैं। दोस्तों भारत की मेजबानी में खेले जाने वाली वनडे वर्ल्ड कप शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में पाकिस्तान टीम के लिए मेन गेंदबाजों का इस तरह चोटिल होना पाकिस्तान टीम के लिए एक नया आफत पैदा कर दिया है। इसी बीच पीसीबी की एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान टीम में नसीम शाह के रिप्लेसमेंट के तौर पर मोहम्मद आमिर की एंट्री कराई गई है। तो दोस्तों ऐसे में मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए क्रिकेट मैदान से निकलकर एक नई खुशखबरी सामने आ रही है। दोस्तों मोहम्मद आमिर वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम से खेलते हुए दिख सकते हैं। इसके लिए पीसीबी इमरजेंसी बैठक भी बुला ली है। दोस्तों मोहम्मद आमिर ने एक खतरनाक बॉलिंग अटैक के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने दुनिया के अव्वल बल्लेबाजों को अपनी घातक गेंदबाजी से परेशान किया है। ऐसे में मोहम्मद आमिर का पाकिस्तान टीम में आना पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी साबित होने वाली है। तो पाकिस्तान टीम एक बार फिर अपनी खतरनाक बॉलिंग अटैक के साथ अपने वनडे वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाली है। आपको बता दें कि मोहम्मद आमिर के आने से पाकिस्तान टीम की बॉलिंग अटैक में जान आ गया है, जिस कारण पाकिस्तान टीम के पास शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ जैसे घातक गेंदबाज टीम में मौजूद हैं, जो दुनिया भर के बल्लेबाजों को अपने गेंदबाजी के जाल में फंसाकर विरोधी टीम की कमर तोड़ने का मादा रखते हैं। तो दोस्तों क्या मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम में शामिल करना सही होगा? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं।